आप सभी के YouTube चैनल ब्रेस्टेक में स्वागत है। हमने पिछले ट्यूटोरियल में आपसे क्वेश्चन किया था कि महात्मा गांधी जी की पत्नी क्या क्या नाम है। ठीक, तो बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट में बताया है कि कस्तूरबा गांधी होता है। जी बिल्कुल सही, उन्होंने आंसर दिया है कि कस्तूरबा गांधी ही होता है। यदि आप भी जानते हैं दोस्तों तो कमेंट जरूर करा करिए, ताकि इससे पता चलता है कि आप हमारे ट्यूटोरियल्स के प्रति कितने उल्लासित होते हैं। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। और यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल ब्रेस्टेक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। और लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आंसर कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए बात करते हैं हम आज के ट्यूटोरियल की। तो आज का पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ UNO की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ UNO की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? तो इसका आंसर होता है दोस्तों, ए नंबर 5, बी नंबर 6, सी नंबर 7, डी नंबर 8। तो इसका आंसर होगा ए नंबर, ये हमने लिख के रखा है, ये पहला नंबर होगा, ए नंबर होगा। ठीक है दोस्तों, तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र संघ UNO की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या होती है 5, 5 से ज़्यादा नहीं हो सकते दोस्तों। चलिए आज अगला देखते हैं, कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? ऐसा कौन सा देश है जो नाथुला दर्रा के पार है? ठीक, तो वो हुआ है चीन, कि भारत, कि पाकिस्तान, की बर्मा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों चीन, पहला नंबर, ए नंबर, जो कि चीन है। ठीक है, तो अगले ट्यूटोरियल की हम बात करते हैं। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ये अगला क्वेश्चन है आपका। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, रामकृष्ण परमहंस, आदिनाथ। तो इसका आंसर होगा दोस्तों स्वामी विवेकानंद। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, खजुराहो स्थित है? तो खजुराहो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, कि राजस्थान में, कि उत्तर प्रदेश, कि पंजाब में? तो खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो दोस्तों हम इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर जाते हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार चार दिए हैं ऑप्शन, श्रेष्ठ गुरु या प्रशिक्षण से, छात्र से, या फिल्म के लिए, कला के लिए। तो इसका आंसर होगा दोस्तों श्रेष्ठ गुरु या प्रशिक्षण। ठीक, द्रोणाचार्य पुरस्कार जिसको मिलता है वो श्रेष्ठ गुरु होगा, जिसके प्रशिक्षण में कोई कमी नहीं रह जाती, जो कि अर्जुन के गुरु थे। ठीक है, तो अगला हम देखते हैं, श्रीलंका की मुद्रा का नाम है? श्रीलंका की मुद्रा का क्या नाम है? तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, रुपया, यूरो, येन, डॉलर। तो इसका आंसर होगा दोस्तों रुपया। ठीक, श्रीलंकन रुपया उसे बोल सकते हैं, जैसे भारतीय मुद्रा होती है उसी तरह से श्रीलंकन रुपया होता है। ठीक है, तो अगला हम देखते हैं, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय है रविंद्रनाथ टैगोर, कि डेल्फिन, कि लॉर्ड कर्नल, लॉर्ड क्रिंज। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए नंबर, रविंद्रनाथ टैगोर, जो हमारे राष्ट्रगान जनगणमन के लेखक भी हैं। ठीक, कवि हैं। फिर अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो इसमें ऑप्शंस हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर, डेल्फिन, लॉर्ड कर्नल, लॉर्ड क्रिंज। तो आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है, धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित हैं? धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित हैं? हॉकी से, क्रिकेट से, फुटबॉल से, वॉलीबॉल से? इसका आंसर होगा पहला, हॉकी से। धनराज पिल्ले हॉकी से संबंधित खिलाड़ी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? जापान पर परमाणु बम किस सन में गिराया गया था? 1945 में, या 1954 में, या 1985 में, या 1947 में? तो इसका आंसर होगा 1945 में। तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और आपके लिए एक नया क्वेश्चन लाए हैं। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि इसका आंसर क्या होता है। तो शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो शिक्षक दिवस
चार ऑप्शन दिए हैं, 5 सितंबर, 5 दिसंबर, 5 नवंबर, 5 जनवरी। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है दोस्तों, जिससे मैं बता सकूं कि आप सही आंसर दे रहे हैं या गलत। आपको इससे अनुभव होगा कि आप पढ़ने में कितना ध्यान दे रहे हैं, कितना नहीं दे रहे हैं। तो इसी के साथ दोस्तों, आपने यदि आपको पसंद आया हो वीडियो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, और कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों कि आपको वीडियो कैसा लगा और इसका आंसर क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम जय हिंद, मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल के साथ। जय